नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दुबे जी के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में, जो लॉकडाउन के दौरान आपको ध्यान देना है, ताकि जब आप लॉकडाउन से एक बार बाहर आएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो गाड़ी को यूज करने में। बिकॉज कुछ मुझे पर्सनल कॉल्स आए, मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा, बिकॉज उनको गाड़ियों में कुछ दिक्कत हुई जब वो गाड़ी स्टार्ट करने गए और कुछ प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया। तो मैं वो आपसे शेयर करूंगा, आपको मैं टिप्स दूंगा कि कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो शायद मेरी वॉइस इतनी क्लियर ना आए, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी मैं आपको टिप्स दूंगा, अगर लॉकडाउन की नियमों का पालन करते हुए आप कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो सबसे पहले आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की या गाड़ी की तरफ जाके ये सब करने की, बट इनकेस अगर पॉसिबल है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करके आप कर सकते हैं तो ही आप इसे कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप अपने गाड़ी में आप रूम फ्रेशनर रख रहे हैं या गाड़ी में एयर फ्रेशनर होता है या कुछ आप ऐसे केमिकल या पेपर वो रखते हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे गाड़ी के, वो सब आप प्लीज़ निकाल दीजिए, बिकॉज लॉकडाउन अभी एक्सटेंड हो गया है, पता नहीं कब तक एक्सटेंड होगा। एंड आपकी गाड़ी शायद धूप में खड़ी हो, अगर छांव में भी खड़ी है तो इंडियन क्लाइमेट थोड़ी सी ह्यूमिड होती है, तो उसमें अगर आपकी गाड़ी में कुछ केमिकल जैसे कि एयर फ्रेशनर, एयर जेल या परफ्यूम हो, या तो अगर न्यूज़पेपर्स एसेट्रा या कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो, तो वो क्या होता है कि काफ़ी टाइम से गाड़ी के अंदर का हवा एयर फ्रेश नहीं हुआ है, बिकॉज गाड़ी आपकी लॉक्ड है, वही एयर गाड़ी में घूम रहा है, गर्म ठंडा हो रहा है, तो वो अलग अलग टाइप के जर्म्स, अलग अलग टाइप के कीटाणु उसमें पैदा करते हैं। एंड वो आपकी गाड़ी में एक गंदी सी बास आना शुरू हो जाए, प्लस वो केमिकल आपकी गाड़ी का जो वातावरण अंदर इंटीरियर का वातावरण हो वो और पल्यूट कर सकता है। तो आप पहले तो अपनी गाड़ी को क्लीन कर दीजिए, अंदर जितने भी आपके पेपर्स होंगे, आपके केमिकल या कोई भी केमिकल दवाई या एयर फ्रेशनर होगा, प्लीज उसे निकाल के गाड़ी को क्लीन रखिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर इनकेस आप गाड़ी नहीं यूज़ करने वाले, जैसे कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा आप गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या उसके ऊपर, तो प्लीज़ जो आपकी गाड़ी की बैटरी है उसका टर्मिनल, जो बैटरी का टर्मिनल होता है कनेक्टेड गाड़ी से, वो एक निकाल के रख दीजिए। बिकॉज कैसा होगा कि अगर टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा तो आपकी बैटरी को डाउन कर देगा, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस आपको जब गाड़ी चालू करने जाएंगे तो शायद बैटरी डेड हो गई रहेगी आपकी, एंड इनफैक्ट वो बैटरी की लाइफ भी कमजोर कर देगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैटरी यूज़ नहीं हुई है, तो हो सकता है कि उसका जो उसमें प्लेट्स होते हैं 8 प्लेट्स, 12 प्लेट्स, डिपेंडिंग आपकी गाड़ी का साइज क्या है, तो उसमें से अगर 1-2 प्लेट भी खराब हो गया अंदर, बिकॉज बैटरीज बनी है चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए, अगर काफ़ी समय तक वो चार्ज होल्ड करके रखती है, उसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो आपका स्लोली स्लोली प्लेट को वीक कर देता है। बिकॉज हमारे साथ ये केस हो चुका है, हमारी गाड़ी कुछ ब्रेकडाउन की वजह से 2 महीना खड़ी थी, एंड जब हमने गाड़ी स्टार्ट करने गए, जब बैटरी को चार्जिंग पे डाला बाहर किसी बैटरी रिपेयर के थ्रू, तो बैटरी चार्ज पिकअप ही नहीं कर पा रही थी, उसका 1 प्लेट खराब हो चुका था, तो हमें वो बैटरी फेंकनी पड़ी, और वो एक्चुअली रिप्लेस भी नहीं होती वारंटी में। तो अगर आप गाड़ी लंबे समय के लिए यूज़ नहीं करने वाले, मोर देन 20 डेज या 25 डेज ऐसा कुछ, तो आप प्लीज़ बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो नई टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, उनमें सेंसर्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, बाकी आपकी एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स, स्टीयरिंग, आपकी हर चीज़ पावर कंट्रोल्ड है, हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक लगती है, तो आपके जो सेंसर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं बिकॉज बैटरी के थ्रू उनको करंट जा रहा है, तो धीरे धीरे आपकी बैटरी को वीक करते जा रहे, धीरे धीरे आपकी बैटरी को कंज्यूम करते जा रहे हैं। बिकॉज बहुत लोग हैं जो पुरानी गाड़ियां चलाते थे, जो हमसे 10-15 साल एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, वो क्या बोलेंगे कि हमारी गाड़ियां तो महीने भर बाद भी स्टार्ट हो जाती है एक सेल्फ पे पेट्रोल गाड़ियां, बट तब उनकी गाड़ियों में इतने सेंसर्स नहीं थे। आज इन 5-10 सालों में गाड़ियों में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आपकी बैटरी का कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा करंट, चाहे वो क्लॉक हो, कुछ भी आपका यूज़ करते रहती है, तो आपकी बैटरी ड्रेन आउट कर देगी एंड वो आगे चल के आपको दिक्कत दे सकती है। तो इससे अच्छा आप टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी डिस्कनेक्शन ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, बिकॉज कैसा है कि अगर आप गाड़ी नहीं यूज़ करें काफ़ी लंबे समय तक तो ही डिस्कनेक्ट करना है। इन केस अगर पॉसिबल हुआ कि अगर आप गाड़ी में जाके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं 2-5 मिनट के लिए या थोड़ा उसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन में, 5 दिन में आप जाइए गाड़ी को सेल्फ मार के, एक 2-3 मिनट तक उसे इंजन को रनिंग होने दीजिए, एंड फिर थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी गाड़ी के सारे फ्लूइड्स सर्कुलेट होंगे एंड आपकी गाड़ी को एक्टिव रखेंगे, आपकी गाड़ी को गर्म रखेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ियों में चूहे नहीं आएंगे।
क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि बिकॉज गर्मी चालू है तो काफ़ी सारे जानवर, कुत्ते, चूहे, ये सब आपके गाड़ियों को धीरे धीरे अपना एक सेफ हाउस की तरह उसको यूज़ करते हैं, इंजन में घुस जाएंगे। हालांकि कुत्तों से इतना खतरा नहीं है, बट जो चूहे होते हैं वो इंजन, अगर इंजन बे में घुस गए तो आपका वो एयर पाइप काट सकते हैं, आपके वायरिंग काट सकते हैं। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड है, वो उन्होंने अपनी गाड़ी को बिल्डिंग के नीचे पार्क किया था, एंड अराउंड 8-9 दिन के बाद चूहों ने उनके जो एयर फिल्टर के यहाँ पे उनके जो वायरिंग होती है पूरा उसे काट दिया। वो एक नुकसान हो गया है ना, अब जब इमरजेंसी में उनको गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो यूज़ नहीं कर सकते। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैकेनिक के पास जाएंगे, पता नहीं वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ जमा होंगी, तो वो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत दे सकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर पॉसिबल है तो गाड़ी आप जाइए 3-4 दिन में एक बार स्टार्ट कीजिए, आगे पीछे कीजिए, उसे गर्म करेंगे गाड़ी, तो उससे क्या होता है कि कोई भी जानवर उसके अंदर आएगा नहीं। इनकेस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है आपने, तो आप रैट पॉइजन, इंजन बे के आसपास रैट पॉइजन का छोटा छोटा टुकड़ा रख दीजिए, मेडिकल स्टोर में मिलेगा, मेडिकल स्टोर खुला हुआ है तो आपको इजीली मिल जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास टबैको यानी तंबाकू होगा तो वो थोड़ा छिड़क के इंजन बे में रख दीजिए, इससे आप चूहे थोड़े दूर रहेंगे और आपका इंजन, आपकी वायरिंग सुरक्षित रहेगी। बिकॉज बहुत कुछ वायरिंग पर डिपेंड करता है, काफ़ी सारे सेंसर्स है जो वायरिंग से चलती है, फ्यूल इंजेक्टर्स है, स्पार्क प्लग के लिए जो करंट जाता है वो है, बैटरी टर्मिनल्स के यहाँ पे है, तो चूहे आपकी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो चूहों से सुरक्षित रखिए गाड़ी, एंड इंडिया में पॉसिबल है, आपके शायद प्राइवेट पार्किंग हो या आपकी नॉर्मल आप रोड पे पार्क कर रहे हो, कहीं पे भी रखेंगे ये चूहे आ सकते हैं। तो इनसे यही से है कि रेड पॉइजन आप छिड़क के रखिए इंजन बे में, या तो फिर आप वो तंबाकू छिड़क के रखिए। अगर आप 3-4 दिन में गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड उसके लिए भी कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आप सबसे पहले, अगर आप 3-4-5 दिन में गाड़ी जाके स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप जाके दरवाज़ा खोलेंगे तो चारों के चारों विंडोज़ आप डाउन कीजिए, एसी मत चालू कीजिए, सिर्फ विंडो डाउन कीजिए, गाड़ी को सेल्फ मारिए, गाड़ी आइडलिंग पे चालू रहेगी, इंजन आपका आइडलिंग पोजीशन में रहेगा। 1 मिनट के आसपास जब हो जाएगा तब आप एसी का ब्लोअर ऑन कीजिए ताकि एसी का हवा भी सर्कुलेशन शुरू हो जाए, जो एसी का गैस होता है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। एंड गाड़ी को ऑन रखिए, विंडोज़ को नीचे रखिए, 2 से 3 मिनट होने के बाद आप गाड़ी को थोड़ा सा गियर में डाल के, क्लच को प्रेस डिप्रेस करके, फिर गाड़ी को गियर में डालिए। गियर में डालने के बाद गाड़ी एक 5 से 6 फीट आगे लेके जाइए, एंड आप सडन ऑफ द ब्रेक मारिए, मतलब झटके से ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी आपकी अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे झटके से रुकेगी। अभी आप यूजुअली क्या करते हैं, आप स्लो ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती, आराम से रुकती है, बट जब आप उसको झटके से ब्रेक देंगे तो गाड़ी आपकी ऐसे पोजिशन में आके आपको झटका देगी। वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपका शॉकअप थोड़ा सा वर्किंग हो जाए, बिकॉज आपके शॉकअप लिक्विड या गैस चार्ज्ड होते हैं, तो कैसा होगा जब आप उसको झटका देंगे तो गाड़ी जब हिलेगी तो उसके अंदर का सारा जो कंपोनेंट, जो फ्लूइड है वो पूरा हिलेगा, सस्पेंशन थोड़ा सा वर्किंग करेगा, ऊपर नीचे होगा, तो उससे आपकी गाड़ी का सस्पेंशन की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। तो वैसे आपको 5-6 फीट आगे जाना है एंड आपको 5-6 फीट पीछे आना है, इनकेस अगर आप उसे थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं जा सकते या उसको आप छोटा सा राउंड मार के नहीं आ सकते बिल्डिंग या एरिया में, तो एटलीस्ट आप 10 फीट, 5 फीट, 10 फीट आगे पीछे करिए। एंड जब आप ब्रेक मार रहे हैं तो झटके से ब्रेक मारिए ताकि गाड़ी आपकी झटके से रुके एंड फिर उठे। ये झटके से आपके सस्पेंशन को इजी हो जाएगा, प्लस आपका क्लच वर्किंग में रहेगा जब आप गाड़ी मूव कर रहे हैं। एंड गाड़ी में आपको इसलिए चलाने बोल रहा हूँ ये 5-10 फीट ताकि आपका जो टायर है, बिकॉज काफी टाइम से, मेरे ख्याल से 2 महीने के ऊपर लॉकडाउन हो चुका है एंड आगे भी एक्सटेंड होगा, और आपकी गाड़ी अगर स्टेशनरी है तो आपका जो टायर है वो टायर एक ही पॉइंट आपका जो कॉन्टैक्ट में है जमीन से, तो कैसा होगा, उसके ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है, तो जब आप गाड़ी आगे पीछे कर रहे हैं तो आपका टायर को घूमने का मौका मिल रहा है, एंड फिर अभी जो पॉइंट था वो हट के दूसरा पॉइंट आ जाएगा। बिकॉज अगर एक ही पॉइंट पे गाड़ी खड़ी रही, टायर को एक ही पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, पूरी गाड़ी का लोड जो है, तो उससे क्या होता है आगे चल के, ऊपर से गर्म ठंडे का माहौल है एंड इतनी गर्मी है, तो कैसा होता है कि एयर एक्सपांड होता है, फिर रात को कॉन्ट्रास्ट होगा, ये सब चीज़ों की वजह से एक लॉन्ग रन में, बिकॉज लॉकडाउन जैसे कि एक्सटेंड होगा तो लॉन्ग रन में आपके टायर में बबल आना शुरू होगा। बहुत लोगों ने देखा होगा उनकी गाड़ी में बबल आ जाता है, अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गाड़ी यूज़ नहीं करते हैं, कभी कम यूज़ करते हैं, कभी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि गाड़ी में बबल आ जाता है, एंड उस बबल पे कोई भी टायर मैन्युफैक्चरर वारंटी नहीं देता है, आप चेक कर सकते हैं। तो गाड़ी आगे पीछे करने से सिर्फ टायर ही नहीं, आपके इंजन को भी थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, आपके जितने भी टाइमिंग बेल्ट होते हैं, आपके जो टेंशनर्स होते हैं, अगर डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन है तो जिसमें टर्बो चार्जर्स है उसका जो आपका बेल्ट ड्राइव होगा, क्लच प्लस आप जो प्रेस डिप्रेस करें वो गर्म होगा, तो ओवरऑल आपकी गाड़ी थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में आ जाती है, एंड ये आपकी गाड़ी को आगे चल के लॉन्ग रन में हाई मेंटेनेंस नहीं निकालेगी जल्दी, बिकॉज आप गाड़ी थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं। अगर गाड़ी कॉन्स्टेंटली खड़ी रहेगी 2-4 महीने या फिर एक साथ आप निकालेंगे, माइट भी कुछ प्रॉब्लम हो सके। चाहिए होगा कि आप गाड़ी थोड़ा सा एक
गरम करके आगे पीछे कर लीजिए। एंड मिनिमम अगर आप नहीं भी अगर आप 5-10 फीट ही चला रहे हैं गाड़ी, तो गाड़ी आप तकरीबन 4 से 5 मिनट तक उसे ऑन रखिए ताकि इंजन 4-5 मिनट तक गर्म हो सके एंड सारा इलेक्ट्रॉनिक सारे सेंसर सब में करंट अप डाउन हो सके एंड आपकी गाड़ी एक्टिव रहे। उसके बाद आप सारी विंडोज लॉक करके आप बाहर आ सकते हैं। गाड़ी में जाना, गाड़ी चलाना, ये सब आप तभी करिए जब आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इसे अगर पॉसिबल हुआ तो ही करिए, वरना आप प्लीज़ घर पे रहिएगा। बिकॉज मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके गाड़ी चलाइए या आप जाके कोई भी लॉकडाउन के नियमों का पालन ना करें। आप प्लीज़ अपने आप को पहले सुरक्षित रहिए, बिकॉज मेन सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जान है, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अगर आप सुरक्षित है, सेफ है, उसके बाद आप गाड़ी पे ध्यान दे सकते हैं या आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ये सब कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं या जो नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आपकी गाड़ी, अगर आप बहुत लोग अपने वॉचमैन को बोलते हैं गाड़ी धोने के लिए या उनके पास गाड़ी वॉश करने के लिए कोई ना कोई आदमी रहेगा, भले वो गाड़ी खड़ी क्यों ना हो, लोग शायद कुछ लोग वॉशिंग कर रहे हैं गाड़ी, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज़ वॉशिंग बंद करवा दीजिए अगर आप गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज बात क्या होती है, जब आप गाड़ी धुलवाते हैं, बिकॉज जितने भी आपके वॉचमैन होंगे या जितने भी वॉशिंग वाले होंगे, वो बकेट लेके आते हैं, कपड़ा डुबाते हैं और आपके गाड़ी पे फटका मारते हैं। एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी गाड़ी खड़ी है, अभी गाड़ी जब वॉश होती है तो विंडोज से सारा पानी ड्रेन होके आपके डोर के अंदर चले जाता है एंड आपकी गाड़ी चल नहीं रही है। डोर के अंदर छोटे से होल होते हैं जहाँ से आपका पानी ड्रेन हो जाता है तो ठीक, बट जब गाड़ी चल ही नहीं रही है तो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस है। तो इससे क्या होगा, जो बार बार अगर आप महीने भर से वो गाड़ी कंटिन्यू में धो रहा है एंड वो अगर ड्रेन नहीं हो पा रहा है पानी, तो कचरे से क्लॉग हो गया है, तो आपका वो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा विंडोज में एंड वो आपका हो सकता है वाइंडर खराब कर दे, आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम खराब कर दे, आपका कोई ना कोई गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सेंसर कुछ ना कुछ खराब कर सकता है। प्लस आपके डोर में जाके अगर पानी जमा हुआ तो आपका पतरा, मोस्टली ये खासकर मारुति में और होंडा में ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज मैंने होंडा की काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी है, स्पेशली होंडा सिटी एंड मारुति की ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ी आ रही है। अब की गाड़ियाँ थोड़ी बेटर हैं, पहले की गाड़ियों का पतरा पतला होता था, तो वो गाड़ियाँ सड़ती, उनका डोर सड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर गाड़ी के अंदर डोर में पानी जमा होना शुरू हो गया या बोनेट के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया एंड गाड़ी चल नहीं रही है, वो होल क्लॉक्ड हो गया है कचरा जमा हो के, तो आपका वो सड़न पैदा करना शुरू कर सकता है एंड आगे चल के आपका डोर सड़ जाएगा, आपको शायद डोर रिप्लेस भी करना पड़ जाए, तो लंबा खर्चा हो सकता है। तो अवॉइड कीजिए, अगर आप गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, तो आप गाड़ी धुलवाना भी बंद कर दीजिए। अगर धुलवा भी रहे हैं तो 4-5 दिन में एक बार धुलवाइए, मोस्टली आप ड्राई कपड़े से उसको बोलिए कि साफ कर दे, 3-4 दिन में एक बार उसको पानी से साफ करवाइए। डेली बेसिस पे करवाएंगे तो शायद वो आपका रस्टिंग कर दे, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डोर के खराब कर दे और वो आपको लंबा खर्चा निकाल सकती है फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ बेसिक टिप्स, ये मेरे पर्सनल टिप्स थे जो पर्सनली मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ मेरे पास स्कोडा है, स्कोडा में मैंने देखा कि मेरा पानी कैसे जमा हो गया था एंड मेरा वाइंडर सड़ गया उससे, हालांकि डोर नहीं सड़ा बिकॉज उसका पतरा काफ़ी स्ट्रांग है स्कोडा का, बट वाइंडर सड़ जाता है। मेरे फ्रेंड की होंडा सिटी है जिसके दोनों बैक डोर्स है, वो उसमें सड़न आ गई थी डोर में एंड डोर रिप्लेस करना पड़ गया। तो ये सब पर्सनल टिप्स है, बैटरी का मेरे खुद पर्सनली एक मेरे साथ ही हो गया था कि 2 महीने मेरी गाड़ी चलाई नहीं, मेरा कुछ मैकेनिकल फॉल्ट था तो बैटरी मेरा डेड हो गया था। फिर मेरे एक फ्रेंड है जिनकी गाड़ी में चूहे ने वायरिंग काट दी थी, मेरे गाड़ी में चूहे ने वायरिंग काट दी थी। तो ये सब पर्सनल चीज़ें जो हमने भुगती है और जो हमने जिसका सोल्यूशन खुद ही पर्सनली ढूंढा है, ये सब टिप्स मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दिया हुआ है जो आपको शायद कहीं ऑनलाइन ना मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप इसे करिए एंड बेफिक्र होकर आप गाड़ी चलाइए। लॉकडाउन में सेफ रहिए, घर के बाहर ना निकले तो अच्छा होगा, इन केस ज़रूरत है तो जैसे आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए, बट गवर्नमेंट का और लॉकडाउन का नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। आप मुझे अगर कुछ और सवाल, कुछ और आपको जानना हो, कुछ और टिप्स, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहेंगे कि आपने कुछ अनुभव किया है अपने गाड़ी के मेंटेनेंस में, आप शेयर करना चाहें तो आप मुझे कमेंट में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं carwaledubeji@gmail.com पे भी। तब तक के लिए साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए घर पे। कार वाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।